हेलो, मैं एस राठौड़ा का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से सारस्वत इंग्लिश टेनो हिंदी टाइपिंग क्लासेस में। एंड ये वोकेबुलरी का पार्ट है जैसा आप सब जानते हैं, इडियम फ्रेजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट वर्ड अपने पास आज का जेल बर्ड। जेल बर्ड का मतलब होता है अपने जो जेल में जा चुका हो या फिर जेल में भी रह रहा हो पहले, वह कहलाता है जेल बर्ड कहलाता है। जॉन्डिस्ट आई मतलब होता है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, मतलब किसी को चीज को आप जज कर रहे हैं तो मतलब बिल्कुल तरीके से जज नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की साइड ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा जॉन्डिस्ट आई कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आने पर जुड़ास किस। जुड़ास किस मतलब होता है किसी से झूठा प्यार करना, क्या कहलाता है जुड़ास किस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आने पर जंप टू ए कंक्लूजन मतलब होता है बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, मतलब बिना कुछ सोचे समझे कोई काम कर जाना, क्या कहलाता है जंप टू ए कंक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड आने पास कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट मतलब होता है कोई भी गैर कानूनी न्यायालय, जो मतलब गाँव में वगैरह में जो लोग अपने आप न्यायालय लगा के बैठ जाते हैं, खुद ही जज करते हैं, वो क्या कहलाता है कंगारू कोर्ट कहलाता है। ठीक है, कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट मतलब किसी अपनी बात सबसे छुपा के रखना, क्या कहलाता है किसी से बात को छिपाना, क्या कहलाएगा कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस मतलब क्या होता है, तो किसी बात को छिपाना क्या कहलाता है कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस मतलब किसी अच्छे घटनाएं होने की कामना करना, क्या कहलाता है क्रॉस फिंगर करते हैं अपन, किसी रिजल्ट का वेट करते हैं, किसी भी चीज का एक्सपेक्टेंटली वेट करते हैं, तो क्या कहलाता है कीप वंस। नेक्स्ट वर्ड अपने पास कीप वंस वर्ड मतलब प्रतिज्ञा पूरी करना अपनी, जो आपने कहा वो आपने फुलफिल कर दिया, तो क्या कहलाता है कीप वंस वर्ड मतलब खुद ही कही हुई बात रखना, क्या कहलाएगा कीप वंस वर्ड। नेक्स्ट अपने पास कीप द बॉल रोलिंग मतलब किसी काम को जारी रखना, क्या कहलाएगा कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल फ्रॉम द डोर मतलब दरिद्रता से संघर्ष करना, मतलब गरीबी से क्या कर रहे हैं संघर्ष कर रहे हैं आप, जूझ रहे हैं किससे पॉवर्टी से, पॉवर्टी से अवॉइड करना, क्या कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब क्या होता है एक तीर से दो निशाना, एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना, क्या कहलाएगा किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन होता है। ठीक है, किथ एंड किन मतलब होता है भाई बंधुत्व मतलब कि अच्छे ब्लड रिलेशन होना, क्या कहलाएगा किथ एंड किन होता है। नेक्स्ट अपने पास मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब होता है कोई भी काम, मेडन का मतलब होता है देखो कोई भी काम फर्स्ट काम करना, जैसे मेडन सेंचुरी, मेडन क्लास, मेडन स्पीच मतलब कोई भी काम फर्स्ट टाइम करना, क्या कहलाएगा मेडन स्पीच कहलाएगा, तो मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच। मेक ए हैश मतलब होता है किसी भी काम में गड़बड़ कर देना, क्या कहलाएगा मेक ए हैश। मेक ए माउंटेन मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, किसी छोटी सी बात को एग्जेजरेट करना, क्या कहलाएगा मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मॉल हिल मतलब राई का पहाड़ बनाना, क्या कहलाता है बात का बतंगड़ बनाना। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब होता है आय के अंदर ही गुजारा करना, मतलब आगे थोड़ी बहुत आय है आप उसमें गुजारा कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा मेक बोथ एंड्स मीट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेक हे वाइल द सन शाइंस मतलब क्या होता है मौके का लाभ उठाना, आपके पास कोई ऐसा मौका है जिसका आप लाभ उठाने, क्या कहलाएगा मेक हे वाइल द सन शाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास मेक और मार मतलब बनाना है बिगाड़ना किसी को, या तो मेक करना या फिर मार, तो क्या हो जाएगा बनाना है बिगाड़ना मतलब मेक और मार होता है। ठीक है, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स मतलब क्या होता है दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब आपकी मतलब चांदी ही चांदी होना एक तरह से, मतलब लाभ ही लाभ की कंडीशन होना, क्या कहलाएगी मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स। फिर नेक्स्ट आने पास मेक अ वंस माइंड मतलब होता है निश्चय करना या फिर टू डिसाइड कर लेना किसी चीज का कि ये करना ही है मुझे, तो वो होगा मेक अ वंस माइंड। मेक ऑफ मैन ऑफ मीन्स मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति या फिर एक वेल्दी मैन के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं मैन ऑफ मीन्स। ठीक है, मैन ऑफ मीन्स मतलब क्या होता है समृद्ध व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने मैन ऑफ आयरन मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान, क्या कहलाता है मैन ऑफ आयरन कहलाता है। ठीक है, मैन ऑफ लेटर मतलब होता है कोई भी विद्वान व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब होता है सुयोग्य व्यक्ति मतलब ए मैन ऑफ क्वालिटीज, किसी भी इंसान में बहुत अच्छी क्वालिटीज होना, क्या कहलाता है मैन ऑफ पार्ट्स कहलाता है। मैन ऑफ स्पिरिट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा उत्साहित है किसी काम को करने के लिए, तो वो होगा मैन ऑफ स्पिरिट। और मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मतलब होता है वह आदमी से कोई मत ना हो, मतलब एक वीक पर्सन जिसकी कोई डिसीजन ही ना हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, वो क्या कहलाएगा मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट अपने पास 9 days मंत्र मतलब होता है 9 दिन की चांदनी मतलब कम समय का सुख, छोटी सी मतलब 4 दिन की चांदनी, सॉरी 4 दिन की चांदनी कम दिनों का सुख, मतलब कोई हैप्पीनेस है ये सिर्फ छोटे से दिनों के लिए है, वो थोड़े से दिनों के लिए है, तो वो होगी 9 days वंडर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है निप इन द बर्ड मतलब आरंभ में ही किसी चीज को खत्म कर देना, जैसे कोई छोटा सा पौधा उग रहा है उसको तभी खत्म कर देना, तो क्या हो जाएगा निप इन द बर्ड।
नल एंड वॉइड मतलब होता है कोई भी काम बेकार होना, इनएफेक्टिव वे, ठीक है। नर्स एग्रेज मतलब होता है कि शत्रुता के भाव को कायम रखना, मतलब किसी से लड़ाई है और आप उस लड़ाई को कंटिन्यू ही रख रहे हैं, खत्म करना चाहते ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नर्स एग्रेज हो जाएगा। ऑयली टंग मतलब क्या होता है, खुशामद की भाषा, मतलब किसी को आप खुश कर रहे हैं अपने बोली से, मतलब बोल के किसी की चापलूसी करके किसी को आप खुश कर रहे हैं, तो उसे कहलाता है ऑयली टंग कहलाता है। ऑन वंस गार्ड मतलब होता है कि सावधानी या फिर सचेत रहना, विजिलेंट रहना किसी चीज़ के लिए कि क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, मतलब किसी चीज़ में आपको पूरी नॉलेज है कि ऐसा क्यों है, तो वो क्या होता है, वो होता है ऑन वंस गार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने ऑन वंस लास्ट लैग, खत्म होने की स्थिति में, बिल्कुल मतलब खत्म होने वाली ही है कोई चीज़, वो क्या कहलाएगा, ऑन वंस लास्ट लैग्स कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑन वंस लास्ट लैग्स। फिर नेक्स्ट आपने वंस फॉर ऑल मतलब होता है हमेशा के लिए, कोई भी काम हमेशा के लिए, कोई परफेक्ट काम कर देना कि जो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहे, तो वो क्या कहलाता है, वंस फॉर ऑल, काम खत्म करना, ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम। ओपन क्वेश्चन मतलब होता है सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है, वो क्या कहलाता है, ओपन क्वेश्चन कहलाता है, किसी का भी एक कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, वो होता है अपने ओपन क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास पाल्मी डेज, मतलब अच्छे व शांतिपूर्ण दिन क्या कहलाते हैं, पाल्मी डेज कहलाते हैं, मतलब प्रॉस्पर और एफ्लुएंट डेज क्या होते हैं, पाल्मी डेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स मतलब होता है समस्याओं का भंडार, कि मतलब ऐसी कोई चीज जिससे आपको समस्या ही समस्या उत्पन्न हो रही है, वो क्या कहलाता है, पेंडोरा बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट अपने पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब होता है किसी भी चीज का आवश्यक पार्ट, मतलब किसी चीज को आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये तो होना ही होना है चाहे और कुछ होना हो, बट ये चीज तो होके रहेगी, तो वो क्या कहलाता है, पार्ट एंड पार्सल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पुट इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब होता है काम को लंबित कर देना, किसी काम को पेंडिंग रख देना, क्या कहलाएगा, पुट इन कोल्ड स्टोरेज। पुट वंस फुट डाउन मतलब होता है अपने अधिकार को दर्शाना, जो भी आपका राइट है आप उसको शो कर रहे हैं कि पुट वंस फुट डाउन, अपने प्राधिकार को दर्शाना, ठीक है। पुट वंस शोल्डर मतलब होता है स्वयं अपने प्रयासों से किसी कार्य को करना, तो पुट वंस शोल्डर टू द व्हील मतलब कोई काम खुद ही करना। टू वर्क और एग्जर्ट वन सेल्फ हैवीली मतलब कोई काम अकेले ही पूरी मेहनत से करना, क्या कहलाएगा, टू पुट वंस शोल्डर ऑन द व्हील। नेक्स्ट अपने पास पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कोई काम उल्टे सीधे से करना, जैसे मतलब क्या होता है, कार्ट हमेशा हॉर्स के पीछे होती है, बट ये क्या कह रहा है कि पुट द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स बिफोर द हॉर्स, तो क्या है, कोई भी काम को उल्टा तरीके से करना, क्या कहलाएगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कैट अमंग पिजन्स मतलब क्या होता है, गलत काम या बात से काफी लोगों का गुस्सा भड़का देना, मतलब कोई ऐसा कुछ बात बोल देना जिससे कि काफी लोगों को गुस्सा आ जाए, वो क्या कहलाएगा, पुट द कैट बिटवीन द पिजन्स। क्वारल विद वंस मतलब होता है कि जहां से रोजी रोटी मिलती है, क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होती है कि जहां से रोजी रोटी मिलती है वहां के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना, मतलब जो आपके मेन जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी से अगर आप लड़ाई कर लें तो क्या होता है, क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, समझा। नेक्स्ट अपने पास क्वीर फिश, क्वीर फिश का मतलब होता है अजीब व्यवहार करने वाला व्यक्ति, स्ट्रेंज पर्सन, क्या कहलाएगा, क्वीर फिश कहलाएगा। रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है तेज बारिश होना, ठीक है, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स मतलब होती है तेज बारिश होना। रेनी डे मतलब होता है आर्थिक कष्ट के दिन, मतलब आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं है तो क्या कहलाएगा, रेनी डे कहलाएगा, ठीक है। रेनी डे यहाँ पे फ्रेज है, नॉर्मल अपन रेनी डे ऐसे नाउन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब होता है किसी चीज का छिपा हुआ अर्थ समझ जाना कि ये क्या कहना चाहता है, तो क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास रन अम्यूक, रन अम्यूक का मतलब होता है किसी चीज की शनक सवार होना। रन इन द सेम ग्रूव मतलब होता है संबंधों को मधुर बनाए रखना, आपने रिलेशंस को बेस्ट बनाए रखना होगा, रन इन द सेम ग्रूव। रन ऑफ द मिल मतलब होता है कोई भी चीज नॉर्मल होना, एवरेज होना, कॉमन होना। रन द गॉन्टलेट मतलब होता है बुरे अनुभव से गुजरना, कोई भी चीज को बुरा एक्सपीरियंस लेना, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, रन द गॉन्टलेट। सेल अंडर फॉल्स कलर्स मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, किसी को भी गलत धोखा देना क्या कहलाता है, सेल अंडर फॉल्स कलर्स। सेव वन स्किन मतलब होता है स्वयं को बचाना, किसी अपने आप को किसी गलत चीज से बचा लेना क्या होता है, सेव वन स्किन। सी आई टू आई मतलब होता है किसी की बात से पूर्ण सहमत होना, कंप्लीटली एग्रीमेंट मतलब क्या कहलाता है, कंप्लीट एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, कंप्लीट एग्री कर लीजिए क्या होता है, पूर्ण सहमत होना, ठीक है। सी पिंक एलिफेंट मतलब होता है कि अत्यधिक नशे के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में है ही नहीं, इतना ज्यादा नशा कर लेना कि आपको अलग अलग अतरंगी चीजें दिखाई दे जो रियल में है ही नहीं।
सी रेड मतलब होता है गुस्से में होना, ठीक है, सी रेड मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में होना। सी थ्रू मतलब होता है समझ जाना, किसी बात को समझ जाना क्या कहलाता है, सी थ्रू कहलाता है, ठीक है। सेट एट नॉट मतलब होता है असमान करना, किसी भी चीज को डिसरिग्रेड करना या किसी का असम्मान करना क्या कहलाता है, सेट एट नॉट, ठीक है। सेट वंस फेस अगेंस्ट मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा कड़ा विरोध करना क्या होता है, सेट वंस फेस अगेंस्ट टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, मतलब बिल्कुल जज्बे से किसी का विरोध करना क्या कहलाता है, सेट वंस फेस अगेंस्ट। नेक्स्ट अपने पास सो द ड्रैगन्स टीथ मतलब होता है भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठा करना, कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, भविष्य में अपने खुद के लिए कोई परेशानी इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं आप। स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड मतलब होता है मन की बात करना किसी से, ठीक है। स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम ऐसा कोई गंदा ही नहीं है, नीट एंड क्लीन जो रूम है, जैसे स्पिक एंड स्पैन। स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स मतलब आत्मनिर्भर करना, खुद के पाँव पे खड़ा होना। स्टैंड स्टिक टू वंस गन्स मतलब कि जो आपने बात कह दी उस पर आप अटल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बदल रहा इस बात से, तो वो क्या होता है, स्टैंड टू वंस गन्स होता है। नेक्स्ट है स्टील एम आर मतलब चुपके से लाभ प्राप्त करना, मतलब काम कोई और कर रहा है बट आप लाभ उसका आप ले रहे हैं चुपचाप, किसी को पता नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, स्टील ए मार्च कहलाता है, ठीक है। स्टेप इन टू अनदर्स शूज किसी दूसरे की जगह ले लेना, राजगद्दी ले लेना या फिर किसी चीज की सीट ले लेना, क्या कहलाता है, स्टेप इन टू अनदर्स शूज। स्टिफ नेक्ड मतलब स्टिफ नेक्ड पर्सन मतलब होता है ढीठ आदमी, जिसको कहते हैं स्टर्वेंट, जिद्दी, जिद्दी क्या कहलाएगा, स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिर ए फिंगर मतलब होता है किसी चीज में कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट, क्या कहलाता है, स्टिर ए फिंगर। स्टोन्स थ्रो मतलब होता है कोई भी चीज बिल्कुल नजदीक होना, कोई भी चीज एट द स्टोन्स थ्रो मतलब बिल्कुल नजदीक में है आपके, ठीक है। स्ट्रीट्स अरब्स मतलब क्या होता है कि बेघर वह अनाथ, स्ट्रीट अरब्स मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान हो जो बेघर है, जिसका घर नहीं है और वो अनाथ है। सम एंड सब्सटेंसेस मतलब होता है किसी भी चीज का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सारांश क्या निकल रहा है, किसी भी चीज का मेन आइडिया है क्या आखिरकार, वो क्या कहलाता है, सम एंड सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। स्वैन सॉन्ग मतलब होता है मरने या सेनानिवृत्ति के पहले की विदाई संगीत या समारोह, क्या कहलाता है, स्वान सॉन्ग कहलाता है, मतलब कोई आपके रिटायर हो रहा है उसके लिए आप कोई सॉन्ग बजाते हैं, या फिर किसी की डेथ होगी तो डेथ के टाइम के जब अपन लेके जाते हैं उसको तो उस टाइम पे कोई गाना वगैरह बजता है, तो क्या कहलाता है, स्वान सॉन्ग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है कि बुरी व अच्छी स्थिति दोनों से ही पार कर जाना, क्या होता है, थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन मतलब होता है हतोत्साहित होना, डिस्करेज हो जाना, थ्रो कोल्ड एंड वाटर अपॉन। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब होता है किसी को चैलेंज कर देना, या जो देखेगा कर लेंगे, ठीक है। टूथ एंड नेल मतलब होता है पूरी ताकत से कोई काम करना, मतलब होता है टूथ एंड नेल। ट्रू टू वन सॉल्ट मतलब होता है वफादार होना, खुद का नमक का कर्ज चुकाना, मतलब टर्न ए डीफ ईयर टू मतलब होता है अनसुना कर देना, किसी बात को आपको पीछे से कोई आवाज लगा रहा है आपने उसको अनसुना कर दिया, क्या होगा, टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब होता है बुरे आचरण छोड़कर अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, मतलब कि एंटायरली चेंज होना जब आप बुरे, ठीक है। टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब हो गया कि बिल्कुल चेंज हो जाना, कि आप है ना बिल्कुल पहले बुरे थे और अब अच्छे हो गए एकदम से। टर्न द कॉर्नर मतलब होता है किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबरना, मतलब आके सामने कोई काम कर रहे थे और उसमें आके संकटपूर्ण स्थिति आ गई तो आप उससे उबर जाएं, तो क्या होता है, टर्न द कॉर्नर। टर्न टर्टन मतलब होता है किसी चीज को उल्ट पुलट करना, ठीक है। टर्न वन अप वन स्नोज एट मतलब नीचा समझना, टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट मतलब किसी को भी नीचा समझना, क्या कहलाता है, टर्न वन स्नोज एट, ठीक है। अंडर द नोज ऑफ मतलब किसी की नाक के नीचे आंख के सामने कोई काम कर जाना, क्या कहलाता है, अंडर द नोज ऑफ। अंडर द थंब मतलब होता है किसी के वश में होना है, किसी के मतलब इम्पैक्ट में काम करना, क्या कहलाता है, अंडर द थंब ऑफ। अप एंड डूइंग मतलब होता है काम में सक्रिय रूप से लगना, मतलब किसी भी काम को एक्टिवली करना, मतलब मन लगा के किसी काम को करना, क्या आएगा, अप एंड डूइंग। अप वंस स्लीव्स मतलब होता है छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर कर सके, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आपने रख दिया कभी जो नीड होगी तब काम आएगा वो, ठीक है, तो क्या कहलाता है, अप वंस स्लीव्स कहलाता है। नेक्स्ट आने पास व्हाइट लाई, व्हाइट लाई मतलब तो छोटा सा कोई झूठ बोलना या फिर गैर महत्वपूर्ण, मतलब कि जिसकी नीड नहीं है ऐसा कोई झूठ बोलना होता है व्हाइट लाई। विल और द विस्प मतलब होता है कोई भी ऐसी उम्मीद जो कि मतलब भ्रामक है, मतलब मैं आपको झूठ बोलूँ कि ऐसा हो जाएगा, आप पैसे दो मुझे जॉब लग जाएगी आपकी, तो ये होगा विल और द विस्प मतलब होता है झूठी किसी को उम्मीद दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है विंडफॉल मतलब ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ही ना हो, मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा अच्छा और आपके साथ अच्छा हो जाए,
क्या कहलाएगा, विंडफॉल कहलाएगा। नेक्स्ट आने पास विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब स्वीकार करना लेकिन शंका क्या, मतलब चलो ठीक है मान तो लिया, हाँ ठीक है, बट फिर भी आपके मन में शंका रह जाएगी ऐसा है या नहीं है रियलिटी में, तो क्या होता है विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट होता है। विथ वन अकॉर्ड इन वन वॉइस, मतलब एक ही स्वर में यूनानिमसली, मतलब कोई इसमें मतलब तीन लोग बैठे हैं तीनों ने एक ही चीज स्वीकार की कि हाँ ऐसा ही होगा, तो क्या होता है विथ वन अकॉर्ड या फिर इन वन वॉइस, मतलब एक आवाज में बोलो सभी, ठीक है। वॉल इन शीप्स क्लोथिंग होती है, मतलब मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, मतलब कोई ऐसा कोई दुश्मन हो जो आपको मित्रता जता रहा हो, या कोई मित्र बाहर से मित्रता दिखा रहा हो और अंदर से आपका दुश्मन हो, तो वो क्या होता है वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब भेड़िया है किसके रूप में, भेड़ के रूप में। वर्ड फॉर वर्ड मतलब होता है शब्द, मतलब शब्द के लिए शब्द होता है, मतलब सेम शब्द बोलना, जैसे अपन अंताक्षरी खेलते हैं वैसे वर्ड फॉर मतलब शब्द से है, इन एक्टिविटी सेम वर्ड, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप, मतलब इनफॉर्मल ऑल कम्युनिकेशन, मतलब वर्ड ऑफ माउथ मतलब होता है नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, फॉर्मल भी कम्युनिकेशन नहीं है वो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी वर्ड ऑफ माउथ कहलाएगी। योमेन्स सर्विस मतलब होता है अत्युत्तम, बहुत ही एक्सीलेंट कोई काम करना क्या कहलाता है, योमेन्स सर्विस कहलाता है, किसी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना क्या कहलाएगा, योमेन्स सर्विस कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बिसाइड वन सेल्फ, मतलब क्या होता है बहुत अधिक चिंतित होना कि व्याकुल होना क्या कहलाता है, बिसाइड वन सेल्फ टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरीड, मतलब क्या होता है कि किसी की बहुत ज्यादा टेंशन करना क्या कहलाएगा, बिसाइड वन सेल्फ। नेक्स्ट अपने पास बिसाइड द मार्क, मतलब क्या होता है कि इररिलेवेंट, कोई भी चीज जो हो मतलब रिलेवेंस ही है नहीं उसकी, आशा आप वो कर रहे हैं, मतलब आपको एडवोकेसी से कुछ पता ही नहीं है बट आप एडवोकेट बने घूम रहे हैं, तो क्या होगा बिसाइड द मार्क हो गया। बिसाइड साइला एंड कैरिबडिस, इसका मतलब क्या होता है बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, मतलब क्या होता है कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है बिटवीन साइला एंड कैरिबडिस, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बिट डिफेंस, मतलब होता है किसी की बात का अवज्ञा करना, मतलब मानना नहीं किसी को, तो क्या कर रहे हैं मतलब किसी की बात को पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है बिट डिफेंस कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास बाइट द डस्ट, मतलब होता है हार जाना। ब्लेज द ट्रायल मतलब होता है कि दूसरों के लिए रास्ता बनाना, आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं, दूसरों के क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ के, तो कहलाएगा ब्लेज द ट्रायल। नेक्स्ट अपने पास ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब होता है दुख के बेस में सुख, मतलब कोई ऐसी चीज आपको लग रहा है ये दुख है बट रियल में आपके लिए खुशी लेके आता है, तो क्या होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है कि खुद के मुंह में या मिट्ठू बनना क्या कहलाता है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट अपने पास ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग मतलब होता है पढ़ी लिखी महिला को क्या कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं, ठीक है। बुक वर्म मतलब होता है जिसको पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक है, किताबी कीड़ा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपने बुक वर्म कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में बाई फेयर और फॉल मीन्स, मतलब क्या होता है सही या गलत किसी भी तरह से कोई काम करना है अपने को बट वो काम होना चाहिए, तो क्या कहलाता है बाई फेयर एंड फॉल मीन्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा बाई फेयर एंड फॉल मीन्स कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास बाय द रूल ऑफ थंब, मतलब व्यवहारिक रूप से जो रियलिटी है मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसा होता है वैसे ही करना किसी को, क्या कहलाएगा बाय द रूल ऑफ थंब। कॉल ए स्पेड मतलब क्या होता है मुंह फट बात करना, कि जैसा दिख रहा है उसको वैसा बोल दे कि तू मोटा है तो मोटा बोल दिया चाहे मुंह पे उसके, बोलना नहीं चाहिए किसी को बट ऐसा बोल देना क्या कहलाता है कॉल ए स्पेड। नेक्स्ट अपने कॉल नेम्स मतलब होता है गाली देना, डोंट कॉल नेम्स मतलब गाली मत दो। तो कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है डेथ पेनल्टी, मौत की सजा देना किसी को क्या कहलाएगा कैपिटल पनिशमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब क्या होता है इनाम और सजा की पॉलिसी, क्या है कि अगर आपने कोई गलत की तो आपको कैरेट मिलेगी, सर कुछ अच्छा किया तो कैरेट मिलेगा और गलती की तो स्टिक मिलेगी, तो ये क्या पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड, मतलब क्या होता है सख्ती से किसी से निपटना कि भाई स्ट्रिक्टली कोई काम करवाना या फिर किसी से करना, क्या कहलाएगा कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड। नेक्स्ट अपने पास कास्ट स्लर, मतलब क्या होता है उपयोग का कारण बनना, मतलब कि आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। टेकिंग ब्राइब कुड कास्ट स्लर ऑन द ऑनर ऑफ योर फैमिली, मतलब किसी के गलत काम में रीजन बन रहे हैं आप कि आपकी वजह से किसी का गलत हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कास्ट स्लर हो जाएगा, ठीक है। ये था अपमान का कारण बनना, ठीक है। नीचे है केव इन, मतलब होता है किसी के आके झुक जाना, किसी के सामने हार मान लेना, क्या कहलाएगा केव इन हो जाएगा। चैप्टर एंड वर्स मतलब होता है पूर्ण विवरण के साथ, मतलब किसी चीज की फुल डिटेल देना, क्या कहलाएगा चैप्टर एंड वर्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने चीक एंड जॉल, चीक एंड जॉल मतलब होता है कोई भी चीज साथ साथ होना, क्या कहलाती है चीक एंड जॉल कहलाएगी।
चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है बच्चों का खेल, कोई भी मतलब इतना आसान काम होना कि आप उसको कहेंगे ये तो चाइल्ड्स प्ले है, इसको तो मैं यूं ही कर सकता हूँ, तो वो क्या कहलाता है, चाइल्ड्स प्ले कहलाता है। नेक्स्ट है अपने पास क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का मतलब क्या होता है कि विवाद को खत्म करना, कोई ऐसा विवाद जिसको खत्म कर देना क्या कहलाएगा, कोई आपके मतलब इशू चल रहा है तो उसको आप खत्म कर रहे थे क्या कहलाएगा, क्लिंच द इशू। नेक्स्ट अपने पास डांस अटेंडेंस अपॉन। डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब होता है किसी की हाजिर जवाबी करना है, किसी की चापलूसी करना, कि किसी ने कहा डांस करो डांस करके दिखा दिया, किसी ने कहा खाना खिलाओ तो खाना खिला दिया उसको, तो ये क्या कहलाता है, डांस अटेंडेंस अपॉन, मतलब किसी की चापलूसी करना। डार्क हॉर्स मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जिसकी उम्मीद ही नहीं थी ये जीत जाएगा क्या, और वो जीत जाए, मतलब अनएक्सपेक्टेड विन फ्रॉम ए कैंडिडेट इज कॉल्ड एज डार्क हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास डेज ऑफ रिकॉर्निंग, मतलब क्या होता है जब भूतकाल में की गलतियों का असर दिखने लगे, क्या आपने पास में कुछ किया था गलत और उसका असर अब आपको दिख रहा है, तो क्या कहलाएगा, डेज ऑफ रिकॉर्निंग। नेक्स्ट अपने पास डेड ब्रोक। डेड ब्रोक मतलब होता है कि आपका दिवालिया निकल जाए, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचे, तो वो होता है डेड ब्रोक। नेक्स्ट अपने डाई हार्ड, मतलब किसी परिवर्तन के बिना दृढ़ता से होना, कैसे ना डाई हार्ड फैन, तो डाई हार्ड फैन मतलब कि कभी चेंज नहीं होगा, मैं आपका परमानेंट फैन, कोई भी चीज मतलब बिल्कुल फिक्स होना, परमानेंट होना क्या कहलाती है, डाई हार्ड कहलाती है। डिक वंस ओन ग्रेव मतलब क्या कहलाता है, खुद की मुसीबत में डालना, मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी डालना क्या कहलाएगा, डिक वंस ओन ग्रेव। डॉग्स लाइफ मतलब क्या होता है, कष्टदायक जीवन क्या कहलाता है, डॉग्स लाइफ कहलाता है, कि बहुत ज्यादा आप मतलब बेकार लाइफ जी रहे हैं, पैसे भी नहीं है कुछ भी नहीं है, मिजरेबल लाइफ जीना क्या कहलाएगा, डॉग्स लाइफ कहलाएगा। डबल डीलिंग मतलब होता है किसी से धोखेबाजी ये कार्य करना क्या कहलाएगा, डबल डीलिंग कहलाएगा। और डबल एज स्वॉर्ड मतलब होता है कि ऐसा कार्य दूसरों को स्वयं को नुकसान पहुंचा सके, मतलब कोई ऐसा काम करना है जिससे अगले को भी नुकसान हो रहा है खुद को भी नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा, डबल एज स्वॉर्ड, मतलब दोनों तरफ से तलवार के धार है। तो ये थे आज की इडियम एंड फ्रेजेस, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आपको, अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कीजिएगा, और भी कोई क्वेरी आपको इंग्लिश से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये नीचे दिए गए नंबर पे, या फिर हमारी विजिट कर सकते हैं इस साइट पे। थैंक यू।